second. दोस्तों तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Redmi Note 5 Pro कैसे फ्लिपकार्ट से परचेस करें, वो भी सेल में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अभी 11:56 हो रही है, तो मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी कि आप किस तरह से वो परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पर, अपना कोई भी ब्राउजर खोल लेना है, आप गूगल क्रोम खोले तो अच्छा ही है। उसके बाद आपको डालना है फ्लिप शॉप, फ्लिप शॉप एक्सटेंशन डालना है, उसके आगे डालना है क्रोम। तो फ्लिप शॉप एक्सटेंशन डालकर आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिलेगा उसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिप शॉप का एक्सटेंशन आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एड टू क्रोम पर दबाना है और आपका जो एक्सटेंशन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन मौजूद है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपको दबाना है फ्लैश सेल पर। फ्लैश सेल पर दबाने के बाद आपको यहाँ पर चेकआउट ऑटो चेकआउट और फ्लिपकार्ट पर ओके करना है, और उसके बाद आपको नीचे जाना है। तो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर 64GB 4GB का रेडमी नोट 5 प्रो गोल्ड वर्जन मैंने सेलेक्ट किया है, तो ये ऑटो परचेस हो जाएगा इस सेल पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक मॉडल आपको वेरिएंट का आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने फ्लिपकार्ट पेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। एज दिस एन ओपन सेल वी विल रिफ्रेश योर विंडो इन एवरी 5 सेकंड, ट्राई टू क्लिक 53 times। तो आपका यहाँ पर पेज जो है वो बार बार रिफ्रेश होते रहेगा। तो आपको उससे पहले करना क्या है, आपको अपने जो अकाउंट है अकाउंट पर जाकर आपको अपना एड्रेस और सारी डिटेल्स आपको पहले से भरनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत टाइम कम रहता है। आपको बिना कुछ अगर आपके पास कुछ भी और भरा हुआ नहीं है, आपके पास आपका एड्रेस भरा हुआ नहीं है, नाम फोन नंबर कुछ भी नहीं है, तो आपको बाय का ऑप्शन आने के बाद आप अंदर तो चले जाएंगे पर आपको कुछ अवेलेबल नहीं होगा उस पर, आप कुछ भी परचेस कर नहीं सकेंगे उस पर। तो आपको करना है कि आपको पहले से अपना जो अकाउंट है वो आपको पूरा सेट कर रखना है सेल होने से पहले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिनट ही बचे सेल को, तो मैं अभी रेडी रहूंगा सेल के लिए और ये रिफ्रेश होते जा रहा है और 5 सेकंड में आपको ये रिफ्रेश होता हुआ दिखाई देगा। तो रिफ्रेश हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर बाय का ऑप्शन आ जाएगा तो ये ऑटो चेकिंग हो जाएगा, मतलब अंदर अपने आप चले जाएगा। उसके बाद जो करना है हमें करना है, उसके बाद आपको उसे परचेस करना है। तो अभी 1 मिनट और बचे, तो हम देखते हैं कि इस ट्रिक से ये हो पाता है क्या नहीं, Redmi Note 5 Pro आपको मिल पाता है क्या नहीं इस ट्रिक के वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आई का ऑप्शन आ चुका है और आपका जो प्रोडक्ट है वो अंदर आ चुका है। आपको यहाँ करना है प्लेस ऑर्डर, जल्दी जल्दी आपको करना है, फिर आपको डिलीवरी एड्रेस जो है वो तो आपका इसके लिए आपका जो नेट है वो फास्ट रहना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक, तो अगर आपका नेट जो है वो फास्ट नहीं है, आपका जो वाईफाई है वो फास्ट नहीं है, तो आपको आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है ये। तो इस ट्रिक से ये काम तो आया, आप अंदर तो चले गए पर आपको जो नेट है मेरा जो वाईफाई है वो इस वक्त स्लो चल रहा है, तो आपको तो ये नहीं हो पाया परचेस। तो यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो गया प्रोडक्ट। तो आपको तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Redmi Note 5 Pro जो 64GB का था, जो सेल में अवेलेबल था, वो हो चुका है आउट ऑफ स्टॉक। तो मैं इसे परचेस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो नेट है वाईफाई है वो थोड़ा स्लो पड़ चुका था इस वक्त, और यहाँ पर इस वेबसाइट पर बहुत ही ट्रैफिक बहुत था इस टाइम पर, क्योंकि सभी लोग सेल का इंतजार करते हुए बैठे थे, जब भी सेल आएगा तो वो परचेस करेंगे। तो जैसे सेल आया सब एक साथ वेबसाइट पर आ गए, फ्लिपकार्ट के इस पेज पर आ गए। तो इस सभी ने इस ट्रिक को यूज कर फ्लिप शॉप का जो एक्सटेंशन है उसे यूज कर जो परचेस कर लिया अपना, और उन लोग का जो
वाईफाई होगा वो ज्यादा ही फास्ट होगा, तो उनको ये परचेस हो गया। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने अंदर भी चले गया था और एड्रेस जो सेलेक्ट करना था उसमें लोडिंग ही होता गया और जो मोबाइल था वो निकल गया हाथ से और आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो जो इसकी अगली सेल है उसमें मैं जरूर परचेज कर लूंगा, पर आपको पता तो चल ही चुका होगा कि आपको किस तरीके से इसे परचेज करना है। आपको फ्लिपशॉप के जो एक्सटेंशन है उस पर जाना है, उस पर जाकर आपको फ्लैश सेल पर जाना है, फ्लैश सेल पर जाकर आपको यहाँ पर ऑटो चेकिंग पर दबाना है और उसके बाद आपका जो वेरियंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फ्लिपकार्ट पर भी कर सकते हैं आप और MI.com पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो काम है वो एक्सटेंशन पर छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन अपना काम खुद कर लेगा। आपको बस आधे घंटे या फिर 20 मिनट पहले आपको वेबसाइट पर आना है और वो पेज ओपन कर रखना है, तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आपका जो काम है वो वेबसाइट कर एक्सटेंशन कर लेगा, ऑटो सेकंड करता रहेगा बार 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 बार। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको बाइंग में आपका एड कार्ड में आपके ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप उसे आपका जो वाईफाई चाहिए ध्यान रखे वो बहुत ही फास्ट चाहिए उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है, ट्रैफिक के साथ साथ आपको बहुत ही जल्दी काम करना होगा। तो आपको अपना पीसी भी जो है स्पेस फ्री रखना है, बिना लैग के आपका पीसी चलना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपका वाईफाई वो फास्ट चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते रहिए टेक्निकल शेख जी चैनल।